हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारे इंस्टीट्यूट नीट मेंटोर में आए हैं संजय सर, जिनको बेस्ट टीचर एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। एंड सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैसे इस फील्ड में आए हैं, कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की है, कब से आपने सोच रखा था कि आपको टीचर बनना है? देखिए, बेसिकली मैं पहले MNC में काम करता था और मैंने काम किया नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड्स में। और इन ईयर 2000 माई फादर को हार्ट अटैक आ गया, तो मेरे को वहाँ से छुट्टी लेके आनी पड़ी। कंपनी ने उतनी छुट्टी मेरे को दी नहीं, आफ्टर ऑल मेरे को जॉब को छोड़ना पड़ा। उस जॉब को छोड़ने के बाद मैंने फिर दोबारा मेहनत करना चालू की, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, आप फोकस्ड हैं, तो आप एक कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका नॉलेज है आपके पास, मैंने दोबारा फोकस चालू, मेरे को अब तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास, अब पढ़ना ही पड़ेगा। दोबारा पढ़ाई मैंने चालू करी और फिर उसके बाद जाके 2004 में मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा परफेक्ट हो गया, तो मैंने कोचिंग चालू करी। और 2006 में मैंने प्रोफेशनली कोचिंग चालू करी और अभी तक कोचिंग चल रही है। मैं स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई एम द BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, 1992 बैच। काफ़ी स्ट्रगल रहा सर आपकी लाइफ में, एंड आप उसके बाद आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया है, एंड जो कि काफ़ी अच्छे मुकाम पर है। सर, इसके साथ आपका एक स्कूल भी है, आप अपने स्कूल के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैंने जब कोचिंग चालू करी तो उसके पहले मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था। मेरा स्कूल 2A शाकित नगर में है और लिटिल फ्लावर कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल है। वो एक मिशनरी स्कूल है, बेसिकली एक ब्रांच ऑफिस है यहाँ पे। इसकी टोटल 11 ब्रांच काम करती है, बैतूल और केरल इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी ये स्कूल कुछ समय तक पहले 10th क्लास तक था, अभी ये स्कूल 12th क्लास तक हो गया है और हम लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग का सहयोग रहा तो और अच्छा करेंगे जी। डेफिनेटली सर, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। एंड सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपकी टीचिंग करियर काफ़ी लॉन्ग है, तो इसमें क्या आपके अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या आपको मोटिवेटिंग लगा, क्या था ऐसा जिसने आपको डीमोटिवेट किया? देखिए, आप अप एंड डाउन का देखेंगे तो 2016 के अंदर मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सडनली अपना कोर्स को चेंज कर दिया। दे डिसाइडेड कि नहीं, हमको तो एक ही किताब चलानी है ऑल ओवर इंडिया, दैट इज CBSE की बुक चलेगी। ओ, हम सोचने लगे अब क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देन मैंने कहा यार, स्टार्टिंग भी तो अपन ने ऐसे ही करी थी। मैंने दोबारा क्योंकि देखिए CBSE और MP बोर्ड की किताबें जो पहले अलग अलग चलती थी, दोनों में टॉपिक सेम रहते थे लेकिन जो मटेरियल रहता था वो इंटायरली डिफरेंट रहता था। बहुत ज़्यादा CBSE एकदम ब्रॉड चली जाएगी, MP बोर्ड ब्रॉड नहीं है, टॉपिक को कवर, सब टॉपिक को ज़्यादा कवर नहीं करती है। तो धीरे धीरे करते उस पर शिफ्ट किया, उसको शिफ्ट किया, थोड़ी सी मेहनत लगी। हाँ, मेहनत अगर करोगे तो कुछ भी काम हो सकता है, और अल्टीमेटली वो भी सीख गए जी। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, मेहनत आप करोगे तो कुछ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप अपना इतना प्रीसियस टाइम लेकर यहाँ पर आए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ से बेस्ट टीचर एक्सीलेंस अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।